विनय के शव का पीएम हो चुका है और पीएम के पास जो बॉडी है वो घर के लिए रवाना हुई है, लेकिन परिजनों ने जो कानपुर मेन जो रोड है रिंग रोड वहीं पर जो है आप देखें कि शव को जो है रोक दिया है और यहीं पर जो उसके परिवार के लोग हैं पहुंचे हुए हैं, सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मेन सड़क पे जो है ये लोग जाम लगाए हुए हैं, जाम लगा के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। माँ है, आप माँ को देख लिए किस तरह से जो है रो रो कर जो है उसका बुरा हाल है। जो परिवार के लोग हैं वो चीत पुकार जो है यहाँ पर मचाए हुए हैं। देख लीजिए भाई की जो हालत है वो क्या, अपनों को खोने का जो गम है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से विनय की हत्या की गई है और साजिशन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और उसमें जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, उनके जो बेटे हैं विकास किशोर उर्फ आशू, उनकी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में ये साफ कह रहे हैं कि साजिशन जो है मंत्री के बेटे ने जो है इस हत्या को अंजाम करवाया है। इसमें जो लोग भी शामिल है सभी खिलाफ हो, आप देखिए कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए जिसने हमारे बेटे को मारा, विनय को उसको फांसी की सजा होना चाहिए। अरे दादा कैमरा क्यों बंद कर दिया गए, क्यों बंद कर दिया गए? अरे लड़ाई होती थी तो हमको बुलाते, अपने लाल को बुला लाते, समझा को समझा के लेवा लाते। अरे गोली क्यों मार दी माता जी? तीन लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गोली क्यों मार दी? तीन लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अरे अरे फांसी की सजा दी जाए हमको। मंत्री का बेटा क्या है इसमें आरोपी आपको लगता है? लड़के को हमारे उन्होंने मारा है, उन्हें मारा है, उन्हीं के साथ रहता था, उनका रिवॉल्वर पास रखा था, पास रखा था। तो बिल्कुल आप देखिए ये माँ है, माँ साहब कह रही है कि जो विकास है उसका जो रिवाल्वर है जो उसकी पिस्टल है वो वहाँ पर थी, लिया जा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मामले में तीन लोगों को नामजद किया गया है, अंकित अजय और समी वर्मा, लेकिन जो मंत्री का बेटा है उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है FIR में। तो ऐसे में परिवार के लोग जो है लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसी गाड़ी में जो मृतक है विनय उसका जो है शव जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो बॉडी यहाँ पहुँच चुकी है और यहाँ सड़क जो है जाम कर दी गई है। जिस गाड़ी से इस शव को लाया गया है उसको सड़क पे खड़ा कर दिया गया है बीच में और परिवार के लोग पूरी तरह से जाम किए हुए हैं। आप चारों तरफ देख लीजिए कि पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, जो गाड़ियां हैं वहीं पर थम गई हैं, दोनों तरफ का जो रूट है उसको बाधित किया गया है। आप देखिए कि उस तरफ देखिए, मेरी दूसरी तरफ देखिए, वहाँ पर भी जो है यही स्थिति है। दूसरी तरफ भी आप देखिए कि जाम लगाया गया है, जो परिवार के लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर सभी मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो है पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं। और ठीक पुलिस चौकी आप देखिए, ठीक यहाँ पर जो पुलिस चौकी है रिंग रोड चौकी, उसके ठीक बाहर जो है ये जाम जो है किया गया है। तो सड़क जो है ब्लॉक कर दी गई है। इनका यही कहना है कि तब तक जो है जो आरोपी है मंत्री का जो बेटा है उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है तब तक जो है वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आप देखिए कि किस तरह से सड़क के बीचों बीच जो शव वाहन है जिसमें विनय का शव है उसको यहां पर खड़ा किया गया है और बगल में उसके परिवार के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी तरह से सड़क को जो है ब्लॉक कर दिया गया है, जाम कर दिया गया है और इनका यही कहना है कि जब तक इनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती तब तक वो जो है ये तीन लोग खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अंकित वर्मा, अजय रावत, जमीन बाबा और मेरा भाई। तो आपको क्या लगता है कि मंत्री के बेटे का इन्वॉल्वमेंट है इसमें? मैं कुछ नहीं कह सकता, जब तक जांच नहीं होगी मैं सबको कहूंगा सब अपराधी हैं, सब अपराधी हैं जब तक जांच नहीं होगी। तो बिल्कुल ये भाई था और ये देखिए ये सब परिवार के लोग हैं, उनकी हालत आप समझ सकते हैं क्योंकि जब विनय अब यहाँ पर नहीं रहा है, इनके बीच नहीं रहा है, उसकी जो है गोली मार के हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर अब शव को यहाँ पर लाया गया है और लगातार जो है जो परिवार के लोग हैं वो यहीं पर हैं, पूरी तरह से जाम जो है रूट को कर दिया गया है।
हालांकि मौके पर अभी भी कोई अधिकारी यहां पहुंचा नहीं है। अब पूरी तरह से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। लंबे लंबे आप देखिए कि जो आप देखिए कि किस तरह से लंबी लंबी जो है कतारें गाड़ियों की आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, तो पूरे रूट को जो है बाधित कर दिया गया है। आप देखिए खुद जो पुलिस का बैरिकेड होता है उसको जो बीच में रखा गया है, डंडे और बल्लियों से जो है रास्ते को बंद कर दिया गया है। चारों तरफ आप देखिए कि सब रूट जो है बाधित हो गया है। हर तरफ जो गाड़ियां हैं लंबी लंबी उनकी कतारें आपको दिखाई दे रही हैं, और इधर आप देखिए जो परिवार है वो लगातार जो है अभी यही फरियाद कर रहा है कि विनय के हत्यारों को सजा होनी चाहिए, फांसी की ये डिमांड कर रहे हैं, फांसी की ये बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो आप देखिए ये माँ है और तमाम जो परिवार के लोग हैं उनकी हालत जो है यहाँ पर बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। ये देखिए आप जो परिवार के लोग हैं बिल्कुल बदहवास हैं, बिल्कुल बदहवास हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर विनय के हत्यारों को जो है सजा दी जाए। आप देखिए कि जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी जो है मार्मिक हैं, क्योंकि जिस तरह से विनय की गोली लग के मौत हुई उसके बाद परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई। तीन लोग नामजद किए गए हैं, लेकिन जो मेन जो जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री है कौशल किशोर उसका जो बेटा है विकास किशोर उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसी की बड़ी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि उसकी पिस्टल मौके पर पाई गई जिससे गोली चली। इसके अलावा जिस कमरे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वहाँ का CCTV जो है गायब मिला है। साथ ही सबसे बड़ी बात यही है कि जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो तीन लोग नामजद किए गए हैं इसमें कहीं भी मंत्री के बेटे का जिक्र नहीं है। कैमरा शुभम साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।